हेलो दोस्तों, कैसे भाई आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी 91 के इस यूट्यूब चैनल पर। और शाम के 7 बज चुके हैं और मैथ्स की क्लास आ चुकी है भाई। समय हो गया मैथ्स की क्लास का। तो आज मैं आप लोगों के लिए मैथ्स में जो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ टाइम एंड वॉक। क्या लेके आया हूँ भैया? टाइम एंड वॉक। बहुत ही शानदार सा ही चैप्टर होने वाला है, इंटरेस्टिंग चैप्टर, काफी डिमांडिंग चैप्टर है। और ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां पर टाइम एंड वॉक का सवाल आता ना हो भैया, हर एग्जाम में आता है। एक स्कोरिंग चैप्टर भी होता है और काफी बड़ा चैप्टर है। बहुत सारे टाइप के सवाल इसमें बनते हैं, बहुत टाइप तक के सवाल मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। सबसे पहले जो आज की शुरुआत हो रही है वो बेसिक कॉन्सेप्ट से हो रही है। देखिए एक और चीज लिखा हुआ, टेस्ट लिंक अवेलेबल है, चेक डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, टेस्ट के लिंक भी अवेलेबल है। ऐसा कह दिया गया कि आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो, बस आपको टेस्ट भी मिल जाएगा यहां पे भैया। पार्ट वन है, बहुत ही शानदार सा, पहली क्लास है टाइम एंड वर्क की, बहुत मजा आएगा आप सभी को। सबसे पहले हमें क्या सीखना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट होता क्या है टाइम एंड वर्क का। उसके बाद हम चलेंगे सवालों को लगाने और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आएंगे, मजे के साथ पढ़ने वाले हैं भाई। ठीक है भाई, चलो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि टाइम एंड वर्क के चैप्टर की हम बात करते हैं तो इसमें तीन तरह के लोगों की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? तो तीन तरह के लोग होते हैं इसमें। कौन कौन से? पर्सन होता है, वर्क होता है और टाइम होता है। ये तीन तरफ की चीजों के बारे में डिस्कस करना होता है, पर्सन, टाइम और वर्क के बारे में। ये तीन तरह की चीजें होती है जिसके बारे में हमें डिस्कशन करना होता है, पर्सन, वर्क और टाइम। अब इन तीनों में डिटेल में जरा सा जाएं तो जरा तीनों के डिस्क्रिप्शन को समझें तो हम समझते हैं यहां से कि देखिए वर्क और टाइम एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। इसका मतलब अगर वर्क बढ़ेगा तो आपका समय भी बढ़ेगा। कब? जब पर्सन समान रहेगा तब। ऐसा कब होगा? जब पर्सन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। पर्सन अगर कांस्टेंट है तो आपका वर्क और टाइम एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। मतलब कि अगर आपने वर्क को बढ़ा दिया तो आपका समय भी समान बढ़ जाएगा। जैसे देखो, जैसे मान लो मैंने कहा कि 5 मजदूर काम कर रहे हैं और 1 बीघा खेत का रोपाई करना है। ऐसा मान लो दे दिया गया कि 5 मजदूर काम कर रहे हैं और 1 बीघा खेत का रोपाई करना है, मान लो 10 घंटे में करते हैं। मान लो 5 ही मजदूर हैं, पर्सन की संख्या सेम है और किसी ने कहा कि अब 2 बीघा काम करना है, तो बताओ जो 10 घंटे में 1 बीघा कर रहे थे 5 मजदूर, क्या वो 5 ही मजदूर उससे कम समय लेंगे, ज्यादा समय लेंगे? ज्यादा समय लेंगे। यानी जब काम बढ़ गया तो समय भी बढ़ जाएगा। वर्क और टाइम एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। जब वर्क बढ़ता है तो टाइम भी बढ़ जाता है। दूसरा, अगर मैं बात करूं कि पर्सन और वर्क की, तो पर्सन और वर्क भी एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। मतलब अगर पर्सन अगर आप बढ़ाओगे, काम अगर आप बढ़ाओगे, तो पर्सन भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। कब? जब समय आपका निश्चित हो तब, जब समय आपका कांस्टेंट हो तब। भाषण में, जब समय आपका कांस्टेंट होता है, जब टाइम आपका एकदम एक्यूरेट, एकदम फिक्स होता है, उस समय पे अगर आप अपने काम को बढ़ाते हैं तो आपके पर्सन को भी बढ़ाना पड़ेगा। भाषण में, जैसे मान लो आपने कहा कि एक सड़क है भैया 2 किलोमीटर की, जिसको 5 दिन में बनाना है और 20 मजदूर लगे हुए हैं। ठीक है, 20 मजदूर लगे हुए हैं, 5 दिन में 2 किलोमीटर की सड़क रेडी करके रख देनी है। आपने कहा ठीक है, हो जाएगा। कल को मान लो आपने कहा कि नहीं, 5 ही दिन में काम करना है, 5 ही दिन में काम करना है, और इस बार सड़क 4 किलोमीटर हो गई है, तो क्या 20 ही मजदूर काम कर पाएंगे? आप बताओ, समय आपने निश्चित कर दिया कि 5 ही दिन में करना है, ठेकेदार ने कहा 5 ही दिन में काम खत्म करना है, तो आप क्या करोगे? अगर 4 किलोमीटर लंबी सड़क बनानी है तो आप आदमियों की संख्या और बढ़ा दोगे। इसका मतलब अगर काम बढ़ता है तो पर्सन भी बढ़ जाता है, ये इसका रूल होता है। ठीक है भैया, तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पर्सन और टाइम का, पर्सन और टाइम का यहां पे ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। कब? जब वर्क आपका कांस्टेंट हो तब, जब काम आपका कांस्टेंट होता है तब ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये कैसे व्युत्क्रमानुपाती और क्या होते हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं। सुनो ध्यान से, पर्सन और टाइम की बात कर रहे हैं हम आपसे। किसकी बात कर रहे हैं? पर्सन और टाइम की। पर्सन और टाइम की मैं आपसे बात करूं तो पर्सन, जैसे काम निश्चित है, काम निश्चित है, जैसे मान लो कि काम कह दिया गया कि जैसे मान लो कि इतना, सपोज करिए 1 बीघा खेत है सपोज करिए, ठीक है, और काम निश्चित है कि 1 ही बीघा है। अब उसमें मान लो अगर आप 10 मजदूर लगाते हो तो 3 घंटा समय लगेगा। आपने कहा नहीं, मैं 5 ही मजदूर से काम करवाऊंगा, यानी आपने मजदूरों की संख्या कम कर दी, आपने पर्सन की संख्या कम कर दी, तो क्या वो 5 मजदूर 3 घंटा में कर पाएंगे? ना, अब समय ज्यादा लगेगा। जब आप पर्सन की संख्या को घटाते हो तो आपका समय जो है ज्यादा लग जाता है।
बात समझ में। जब पर्सन की संख्या को बढ़ाते हो, आप चाहते हो जल्दी काम खत्म कर दे, तो ज्यादा से लोगों को काम पे लगाओ, यानी ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यही सिर्फ कॉन्स्टेंट, यही जो मैंने यहां पर आज आपको सिखाया, इतना ही बस इसका कॉन्सेप्ट होता है वर्क एंड टाइम का। जितनी बातें, अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं, तो समझ लो आपको पूरी तरह से वर्क एंड टाइम आ जाएगा भैया, इसमें कुछ नहीं होता। ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है पर्सन और टाइम की। इसका मतलब होता है कि अगर ज्यादा पर्सन आप लगाओगे, ज्यादा पर्सन अगर आप लगाओगे, तो आपको जो समय लगेगा वो क्या लगेगा? कम लगेगा। ज्यादा पर्सन, कम समय, ठीक है। और अगर आप कम पर्सन लगाओगे, कम पर्सन अगर आप लगाओगे, तो आपका जो समय होगा वो ज्यादा लगेगा, यानी कि ज्यादा समय लगेगा। यही कॉन्सेप्ट होता है इस वाली लाइन के लिए, यही वाला कॉन्सेप्ट होता है। ज्यादा पर्सन, कम समय, कम पर्सन, ज्यादा समय, यही ये कहना चाहती है ये लाइन का, बस यही इतना सा मतलब है। बात समझ में आ रही है? तो होप कर रहा हूं कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार शेयर जरूर कर देना हर जगह, और जितने लोग देख रहे हैं सब लोग लाइक जरूर कर देना, ठीक है भैया। चलो, ये समझ में आ गया बहुत अच्छे से कि इतना सा कॉन्सेप्ट अगर हम क्लियरली समझ चुके हैं तो हमें वर्क एंड टाइम आ जाएगा। और वर्क एंड टाइम बहुत ही इजी चैप्टर होता है, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है, आपको आएगा इस बात की गारंटी है। बस सारी सीरीज आपको देखनी होगी धैर्य के साथ, संयम के साथ। एक तरफ से सारी सीरीज देखो भैया, एक से एक ट्रिक भी बताऊंगा और एक से एक शानदार तरीके भी बताऊंगा। बात समझ में आ रही ना? ये क्लियर हो गया? चलो अब चलते हैं आगे, जरा सा और एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखो, जो पूरा काम होता है इसमें हमेशा एक यूनिट माना जाता है। जो टोटल काम होता है, टोटल वर्क जो होता है, उसको हमेशा एक यूनिट मान लिया जाता है। कितना मान लिया जाता है? वन यूनिट। टोटल यूनिट, टोटल काम को एक यूनिट माना जाता है। जैसे मान लो किसी ने कहा कि एक तिहाई काम कर दिया, एक तिहाई काम कर दिया, तो कितना काम बचा? एक में से एक तिहाई घटा दो, यानी दो तिहाई काम बचा हुआ है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, और कुछ भी नहीं है इसका। बहुत सारे नियम होते हैं, देखो भाई वर्क एंड टाइम लगाने के बहुत सारे नियम हैं, ऐसा नहीं कि एक ही नियम है। वर्क एंड टाइम को, सवालों को हल करने के लिए एक होता है वन डे वर्क मेथड, एक दिन का काम निकाल के, एक मेथड वो होता है, एक होता है यूनिटरी मेथड, एक होता है एलसीएम मेथड, एक होता है परसेंटेज मेथड, बहुत सारे मेथड है। मैं आपको जो मेथड पढ़ाने वाला हूं वो सबसे शानदार है, आपको मैं पढ़ाऊंगा एलसीएम मेथड से। यूनिटरी मेथड और एलसीएम मेथड दोनों एक ही होता है, तो मैं आपको उस मेथड से पढ़ाऊंगा, बहुत मजा आएगा। पूरा ट्रिक उसी मेथड में बनती है, एक से एक शानदार ट्रिक लगती है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर होने वाला है आप सभी के लिए। तो डायरेक्ट चलते हैं। चलो, हमने अभी कुछ देर पहले क्या सीखा था? हमने सीखा कि पर्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। फिर हमने क्या सीखा? पर्सन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यही सीखा था, ये दो रूल अभी हमने सीखा है। इन दोनों रूल को अगर आप मिला दोगे तो आप डायरेक्ट कहोगे पर्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। कह सकते हो कि नहीं? देखो, पर्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इन दोनों रूल को मिलाओ तो आप यहां से ये पीटी इधर आ जाएगा, यानी कि पीटी और डब्ल्यू नीचे आएगा, बटे में डब्ल्यू, और साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट टर्म आता है, यानी कि पीटी बटे डब्ल्यू का टर्म जो हमेशा होगा वो एक कॉन्स्टेंट मान होगा। पीटी बटे डब्ल्यू का जो मान होगा वो हमेशा एक कॉन्स्टेंट मान होगा। कौन सा मान होगा भैया? कॉन्स्टेंट मान होगा। अब इस बेस पे हम अपना फॉर्मूला बना सकते हैं कि पी वन टी वन बटे में डब्ल्यू वन बराबर में पी टू टी टू बटे में डब्ल्यू टू। ये हमारा नियम बन गया, ये हमारा नियम बन गया भैया, पी वन टी वन बटे में डब्ल्यू वन बराबर पी टू टी टू बटे में डब्ल्यू टू। ये हमारा नियम बन गया है, पी वन टी वन बटे डब्ल्यू वन बराबर पी टू टी टू बटे डब्ल्यू टू। ये हमारा नियम बन चुका है। इसी नियम पे बहुत सारे सवाल लगते हैं, कम से कम आपको मैं बोलूं कि 40-50% सवाल इसी मेथड पे लग जाएंगे, 40-50% सवाल इसी मेथड पे लग जाएंगे भैया। ये पी वन टी वन बटे डब्ल्यू वन बराबर पी टू टी टू बटे डब्ल्यू टू बहुत ही शानदार सा मेथड होने वाला है आपके लिए, ठीक है। बताओ समझ में आ रहा है? देखो, बस इस नियम को याद कर लो, बहुत छोटा सा एक फॉर्मूला होता है, बस इसको दिमाग में डाल लो। क्या होता है? पी वन टी वन बटे डब्ल्यू वन बराबर पी टू टी टू बटे डब्ल्यू टू, जहां पे पी फॉर क्या है? पी फॉर पर्सन, पी फॉर पर्सन यानी कि कोई व्यक्ति की बात कर रहा है। टी फॉर क्या है? टी फॉर टाइम यानी कि समय की बात कर रहा है। और डब्ल्यू फॉर वर्क की बात कर रहा है, वर्क की। बात समझ में आई ना? पर्सन वन गुड़े टाइम वन बटे में वर्क वन बराबर में पर्सन टू गुड़े टाइम टू बटे में वर्क टू, यही इसका नियम होता है बस, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने सवालों की तरफ, जहां मैं ढेर सारे सवाल हमारा इंतजार कर रहे हैं, और ये जा चुकी है, आपको पता है, आ गई, वाह भाई वाह, आज तो अच्छा काम कर दी इसने, ठीक है। तो डायरेक्ट चलते हैं पहला सवाल लगाने की तरफ। क्यों खुल रहे हो भाई, तुमको किसने कहा है?
ठीक है भैया, आप हमारे स्टडी 91 का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, जहां पे आपको मेरे पढ़ाए गए सभी क्लास के फ्री में पीडीएफ अवेलेबल कराई जाती है, और सारी चीजें खाली मैथ से रिलेटेड नहीं, बाकी हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है भैया, कैसे आपको पीडीएफ मिलेगी, क्या करना है, तो देखो यहां पे आप जब स्टडी 91 का एप्लीकेशन खोलेंगे तो यहां पे आपको दिखेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा मैथ्स का, मैथ्स में, मैथ्स क्लासेस में आओगे, मैथ्स क्लासेस में आओगे तो अर्थमेटिक पढ़ रहे हो, टाइम एंड वर्क अर्थमेटिक का पोर्शन है, तो अर्थमेटिक में जाओगे तो अर्थमेटिक में आपको इसका जब नीचे टाइम एंड वर्क खोलोगे तो टाइम एंड वर्क की पीडीएफ मिल जाएगी, टाइम एंड वर्क के टेस्ट दे सकते हो वहां पे, जो मैंने पढ़ा है उसमें आप अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो कि कितना सही कर रहे हो कितना गलत कर रहे हो, उसका एग्जाम सेट मिलेगा, उसकी पूरी पीडीएफ मिलेगी, उसके सारे सवाल मिलेंगे, सब कुछ मिल जाएगा, घबराने की बात नहीं है। ठीक है भैया, चलो तो स्टडी 91 का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें। ठीक है भैया, पहले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, इफ 72 मैन 280 मीटर लॉन्ग वॉल्स बिल्ड इन 21 डेज एंड 100 मीटर इन 18 डेज, हाउ मेनी मैन विल बी द नीडेड टू बिल्ड द लॉन्ग वॉल, ओके, देन 100 मीटर इन 80 डेज, ओके। देखो क्या बोला है कि 72 पुरुष 280 मीटर लंबी दीवार को, यहां फुल स्टॉप नहीं रहेगा, ठीक है, 100 मीटर क्या बोला है आपसे, देखो 100 मीटर 18 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसा आपसे बोला है। ठीक है, चलो देखते हैं। यहां से मैंने अभी आपको एक नियम बताया था, क्या बताया था, P1 T1 बटे W1 बराबर में P2 T2 बटे में W2। डायरेक्ट हम अपने सवालों की तरफ चलते हैं, क्योंकि ऐसे ही सवाल हमारे एग्जाम में आते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे ही सवाल हमारे एग्जाम में आते हैं और लगा नहीं पाते, हम खाली बेसिक चीजों को समझते, बहुत प्यारी प्यारी चीज होती, बहुत आसान होता है टाइम एंड वर्क का सवाल, ये भी सवाल किसी ना किसी एग्जाम में आया, बहुत ही शानदार सा सवाल है, देखते क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो। देखो 72 पुरुष 280 मीटर लंबी दीवार 21 दिन में बनाते हैं, तो 18 दिन में 100 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, यही आपसे कहा है। चलो चलो देखते हैं, जरा देखते हैं, देखो पहले कितने पुरुष हैं, 72 पुरुष हैं, यानी कि P1 का मान 72 है, P1 का मान 72 है, ठीक है, 280 मीटर लंबी दीवार, तो ये इसका काम है, यानी कि W1 का मान 280 मीटर है, फिर 21 दिन में, यानी T1 का मान 21 दिन है, फिर आपसे बोला है कि कितने पर्सन की आवश्यकता पड़ेगी, यानी P2 आपसे पूछा है, और W2 आपको दे दिया है 100 मीटर दे दिया है, और T2 भी दे दिया है कि 18 दिन में बनाना है, सब कुछ दे दिया, सिर्फ एक मान आपसे यहां पे पूछ दिया है, तो बस यही काम कर लेंगे। यहां से देखो 72 गुणे में समय कितना 21 दिन बटे में 280 मीटर लंबी दीवार बराबर में कितने पुरुष, तो P2 पुरुष कितने दिन में 18 दिन में, कितने मीटर लंबी दीवार, तो 100 मीटर लंबी दीवार, 0 से 0 कट गया, 3 से काट दो, 3 6 18, 3 7 21, ठीक है, और 7 से काट दे इसको 4 बार में, और 6 से काट दे इसको 12 बार में, 12 6 72, 4 ने काट दिया 3 बार में, यानी कि यहां बचा है 10, यानी P2 बराबर कितना आ जाएगा, आप बताओ, यहां 10 और बाकी सब कट चुके हैं, यहां 3, तो 10 × 3 कितना हो जाएगा, 30% की आवश्यकता पड़ेगी आपको, कितने परसेंट की आवश्यकता पड़ेगी, 30% की आवश्यकता पड़ेगी, और आपका आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल ठीक है ना, एकदम आसान सवाल है, बस ये लगाना है P1 T1 वाला मेथड, P1 T1 बटे में W1 बराबर P2 T2 बटे में W2, बस यही वाला मेथड लगाना है, और आपको कुछ भी नहीं करना है इसके अंतर्गत। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखो, 8 पुरुष 9 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 20 दिनों में खत्म करते हैं, 7 पुरुष 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में काम को करेंगे, सेम टू सेम सवाल है, फिर से हमारा वही कॉन्सेप्ट है, P1 T1 बटे W1 बराबर P2 T2 बटे में W2, ठीक है। अब यहां पे क्या कहा है कि एक काम को खत्म करते हैं और फिर उसी काम को प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में काम को खत्म करेंगे, काम यहां पे सेम है, यानी कि W1 W2 सेम हो गया है, अगर W1 W2 सेम है, अगर W1 बराबर में W2 है, अगर काम इसका सेम है, तो आपका ये जो फॉर्मूला है अब कुछ इस तरह से हो जाएगा, P1 T1 बराबर में P2 T2 हो जाएगा फॉर्मूला, बात समझ में आई ना, अब यहां पे वैल्यू पुट करो, अब यहां पे सिंपली आप वैल्यू पुट कर दो, P1 कितना है, तो 8 पुरुष हैं और कितना दिन काम कर रहे हैं, 20 दिन काम कर रहे हैं, तो गुणे में 20,
और ये जो घंटा है ना, इसका भी मल्टीप्लाई समय में ही होता है, क्योंकि ये भी तो घंटा ही है, तो गुणे में 9 घंटा। बराबर में P2 कितना है, तो 7 पुरुष हैं। और कितने दिन में आपसे पूछा है, कितने दिन में, यानी कि आपसे समय पूछा है, टी पूछा है, और यहां 10 घंटा दिया, तो 10 का गुणा भी इसमें कर देंगे। बात समझ में आई? अब यहां से काट तो जो कट रहा है, 0 से 0 कट गया है। अब यहां से देखो, 8 × 16, 16 × 144, यानी टी बराबर कितना आ गया, 144/7। ठीक है भैया, 7 × 14 कुछ नहीं बचा, 20 बार, और 4/7, 20 सही 4/7 दिन आ गया आंसर, 20 सही 4/7 दिन, ऑप्शन नंबर ए वाला। एकदम इजी है सवाल, एकदम इजी है भैया, एकदम इजी है। ऐसे सवाल बनते एग्जाम में और आप नहीं लगा पाते हैं। क्या करना है, यही वाला कॉन्सेप्ट करना भैया, सबको लेके चलते हैं। आप ये मत समझा करो कि खाली इजी लेवल या टफ लेवल कराते हैं। आप मेरी क्लासेस अगर रोज देखते तो आपको ये पता चलता कि मैं हमेशा 0 लेवल से मैथ लेके चलता हूं। मैं उन सभी बच्चों को लेके चलता हूं जिनको कुछ नहीं आता, 0 to high। भैया 0 to hero बैच का नाम ही है हमारे, ठीक है ना, 0 से hero बैच बनाते हैं हम आपको। जिनको 0, जिनको कुछ नहीं आता, उनको भी बहुत कुछ सिखाना है, और जिनको बहुत कुछ आता वो भी आगे आते हैं जब अच्छे अच्छे सवाल आते हैं। लेकिन अभी तो आज टाइम एंड वर्क का पहला दिन है, पहले ही दिन तुम्हें अच्छे अच्छे क्या करा दूं बताओ, पहले उनको भी तो सीखने दो, जो सीख रहे हैं, जो पहली बार सीख रहे हैं उनको भी सीखने दो। भैया आप भी कभी ना कभी पहली बार लर्नर रहे होंगे, आप भी कभी ना कभी ये सवाल स्टार्टिंग में लगाए होंगे 0 लेवल का, भाषण में, और ऐसे ही सवाल एग्जाम में आते हैं, और आप भी कितना भी पढ़े होते हैं, बस कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं लगा पाते, तो ध्यान रखना इन सारी बातों का है। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है, सिर्फ यही दिमाग लगाना है, P1 T1/ P2 T2, ये हमारा काम है बस भैया। यहां से W1 W2 सेम था, इसलिए P1 T1 = P2 T2 लगा देना है, भाषण में। तो ये आपका आंसर बन गया, यहां पर समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, अब इसका बस यहां से समय पूछा था, घंटे का मल्टीप्लाई समय में होता है, इस बात को बस ध्यान रखना। इस सवाल में बस इतना ही बताना था आपको। 639 व्यक्ति क्या दिया है, 639 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में एक सड़क की मरम्मत करते हैं। आगे कहा है कि 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में काम को खत्म करेंगे। फिर से वही सवाल है, P1 T1 वाला। अच्छा बताओ क्या है, काम करके कितने दिनों में काम को खत्म करेंगे, मतलब काम यहां पे सेम है, तो P1 T1 = क्या हो जाएगा, P2 T2 हो जाएगा। 639 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन करके 12 दिनों में खत्म कर रहे हैं, 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिनों में खत्म करेंगे, बस यही तो पूछा है, बस इतनी तो बात पूछा है आपसे। और पूछा ही क्या था आपसे, जल्दी बताओ और क्या पूछा था आपसे। देखो जो कट रहा है उसको काट दो, कुछ कट रहा है, ये कट रहा है 5 × 6 = 6 बार में कट गया, 6 ने काट दिया इसको 2 बार में, और 2 ने काट दिया इसको 3 बार में, और 3 से काट दो तो 3 × 6 = 3 × 3 = 9, 213 बचा, यानी टी बराबर 213 आएगा, 213 दिन लग जाएंगे इसको लगाने में, 213 आएगा, बाकी सब कट जाएगा, 213 बनेगा भैया इस सवाल का आंसर, 213। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगला सवाल देखो, 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं, तो 8 गुना कार्य आधे समय में कितने व्यक्ति पूरा करेंगे। यहां से देखो भैया, P1 T1 / P2 T2 / W2, यही दिया है आपको। अब ये दिया है तो यही काम करना है हमें, देखते क्या दिया है, कितने पुरुष दिया, 12 व्यक्ति पहले दिया, यानी कि 12 गुणे में समय कितना दिया है, 4 दिन में दिया है, मान लो 4 दिन दिया है, और काम मान लो 1 दिया हो, सपोज करो कि काम 1 काम है, कितना काम है, 1 काम है, बराबर में P2 आपसे पूछा है कि कितने व्यक्ति, यानी P2 आपसे पूछा है, इनटू में समय, समय कितना दिया है, जरा देखो समय कितना दिया है, समय दिया है आधे समय में, पूरा समय 4 है तो आधा समय 2 हो जाएगा, कितना काम को, 8 गुना कार्य को, पहले काम कितना था 1, तो अब काम कितना होगा, 8 गुना, यानी कि 8 होगा यहां पे भैया, 8 होगा, ये 2 ने इसको काट दिया 4 बार में, यानी कि 4 का गुणा उधर होगा 16, और गुणे 4, देखो P2 बराबर कितना आ जाएगा, 12 गुणे में 4 गुणे में 4, यानी कि 12 × 48 को 192 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी, 192 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी, पहला आंसर सही है इसका। देखो बताओ
एकदम इजी सा सवाल है भैया, एकदम बीजी सा सवाल है, बस सवाल में 8 गुना कह दिया, उससे डरना नहीं है तुम्हें, ठीक है। चलो अब मुझे लगता है कि इस तरह के सवाल आप आसानी से लगा लेंगे, इस तरह के सवाल में बाकी कुछ होता नहीं है। अब बढ़ते थोड़े अच्छे सवाल की तरफ। एक इस पैटर्न का सवाल आता है, अभी जो मैंने जो 4-5 सवाल पीछे वाले कराए उस तरह के सवाल अभी हमें ठेकेदारी में भी मिलेंगे करने के लिए, तो वहां पर हम करेंगे। अभी इस तरह के सवाल देखते हैं। ए एक काम को 6 दिनों में करता है, बी उस काम को 9 दिनों में करता है, दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है। यहां से देखो, जब भी कोई इस तरह के सवाल आपको लगाना हो तो आप कैसे लगाएंगे, यहां से समझो। ए करता है कितने में, 6 दिन में, और बी करता है कितने दिन में, 9 दिन में। जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखना है आपको, ध्यान रखना है ये बातों को, ठीक है ना। जैसे डबल डैश एरो देके मैं लिख रहा हूं वैसे ही आपको भी लिखना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, यहां पे समझा रहा हूं, थोड़ा सा नीचे ज्यादा जगह लेके देखो। ए कर रहा है 6 दिन में, ठीक है। बी कर रहा है 9 दिन में, ठीक है। ठीक है भैया, सबसे पहले आपको लेना है इसका एलसीएम, जिस मेथड से मैं बता रहा हूं सबसे पहले आपको लेना है एलसीएम। किसका एलसीएम लेना है, तो जो ये दिन है 6 और 9 का, 6 और 9 का, बताइए 6 और 9 का लसा कितना आएगा, 9 दुनी के 18, यानी एलसीएम आएगा 18। इसको कहेंगे 18 यूनिट, ये जो आया है इसको कहेंगे 18 यूनिट, और ये जो आया है ये टोटल यूनिट वर्क है, इसी को कहते हैं टोटल यूनिट वर्क। समझो ध्यान से बात को, ये टोटल यूनिट वर्क है, मतलब ये कुल काम है, कुल काम कितना आ गया 18 यूनिट। अब यहां से हम निकालते हैं इसका पर डे यूनिट वर्क, क्या निकालते हैं, पर डे यूनिट वर्क, पर डे यूनिट वर्क निकालते हैं। पर डे यूनिट वर्क का मतलब एक दिन का काम, पर डे यूनिट वर्क का मतलब एक दिन का काम निकालते हैं भैया, एक दिन का काम। इसी को कहा जाता है इफिशियंसी, या फिर इसी को कह दिया जाता है इफिशियंसी, इफिशियंसी, ठीक है ना। एक दिन की काम या फिर इफिशियंसी, कार्य क्षमता, सारी चीजें हैं, इसी को जो नाम दे दो आप, ठीक है ना, जो यहां पे निकाल रहे हो उसको जो नाम दे दो, कार्य क्षमता कह दो, इफिशियंसी कह दो, पर डे यूनिट वर्क कर दो, कुछ भी कह दो इसको, आप कुछ भी कह सकते हो। कैसे निकालेंगे पर डे यूनिट वर्क, तो देखो भैया ये 6 काम है, 6 दिन है, और टोटल काम कितना है आपके पास 18 यूनिट। मतलब ए नाम का एक व्यक्ति है, समझो ध्यान से, ए नाम का एक व्यक्ति है वो 6 दिन में 18 यूनिट काम कर रहा है, ए नाम का व्यक्ति है वो 6 दिन में 18 यूनिट काम कर रहा है, यानी एक दिन में कई यूनिट काम कर रहा होगा, आप बताओ। अगर वो 6 दिन में 18 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में क्या यूनिट कर रहा होगा, तो 18 में 6 से भाग कर देंगे, यानी यहां पे जो 18 है उसमें 6 से भाग कर देंगे, 6 दिन में 18 यूनिट, 18 यूनिट करने के लिए 6 दिन लग रहा है, ठीक है ना, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 18/6 करेंगे, यानी कि 3 यूनिट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 यूनिट, एक दिन में ये 3 यूनिट काम करेगा। वैसे ही बी वाला है भैया, 9 दिन में 18 यूनिट काम कर रहा है, टोटल काम तो यही है, 9 दिन में 18 यूनिट काम कर रहा है। अगर 9 दिन में 18 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना कर रहा है, 9 दुनी के 18 यानी कि 2 यूनिट कर रहा है, एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है। क्या इतनी बातें समझ में आई आप सभी को, देखो जल्दी से फिर से बता देता हूं एक बार में। देखो ए नाम का व्यक्ति है जो काम को कर रहा है 6 दिन में, और बी नाम का एक व्यक्ति है जो काम को कर रहा है 9 दिन में, तो ए कर रहा है 6 दिन में, बी कर रहा है 9 दिन में, हमने ऐसा कर लिया। हमें इस 6 का और इस 9 का एलसीएम लेना होता है, तो हमने इस 6 और 9 का लस लिया, एलसीएम लस लिया, जो कि 18 यूनिट आया है, कितना आया है 18 यूनिट, 6 दिन 9 दिन का लस 18 यूनिट आया है, 18 यूनिट आ गया। अब इसको हम कहते हैं टोटल यूनिट वर्क, जो ये 18 यूनिट आया है इसको कहा जाता है टोटल यूनिट वर्क, मतलब ये कुल काम है, कुल काम उनके पास 18 यूनिट का था, तो ये कुल काम है 18 यूनिट, ठीक है भैया। यानी कि एक दिन में कितना काम करेगा, तो 6 से भाग करेंगे 18 में, 18 यूनिट करने के लिए 6 दिन लग रहा है, तो एक दिन में कितना काम, 6 दिन में 18 यूनिट, तो एक दिन में 18/6 3 काम एक दिन में करेगा, और ये 9 दिन में 18 यूनिट, तो एक दिन में 2 काम कर रहा है, 2 यूनिट काम ये कर रहा है, 3 यूनिट काम ये कर रहा है। यहां तक बात समझ में आ गई है आपको, यहां तक बात समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद,
ठीक है भैया। अब यहां से बताओ, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। दोनों मिलकर मतलब ए प्लस बी की इफिशियंसी निकालेंगे, ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी आएगी, या फिर ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे। ये तीन काम करता है, ये दो काम करता है, यानी कि तीन प्लस दो आएगा, यानी कि कितना आएगा, पांच यूनिट। एक दिन में ये दोनों मिलके पांच यूनिट काम करते हैं। कितना यूनिट काम करते हैं, पांच यूनिट काम करते हैं। एक दिन में दोनों मिलके कितना यूनिट काम करते हैं, पांच यूनिट काम करते हैं। भैया अब समझिए ध्यान से, एक दिन में दोनों मिलके पांच यूनिट काम करते हैं, ये एक दिन का काम है, पर डे यूनिट वर्क है। एक दिन में मिलकर पांच यूनिट काम करते हैं, उनको टोटल कितना काम करवाना है, टोटल उनके पास काम है 18 यूनिट का। यानी कि ए प्लस बी को लगा समय, ए प्लस बी का समय निकालते हैं। अब देखो ए प्लस बी एक दिन में पांच यूनिट काम कर रहे हैं, तो 18 यूनिट काम करने के लिए 18 बटे में पांच, यानी कि 3.6 दिन लगेगा। वैसे दिनों की संख्या कभी दशमलव में लिखते नहीं, लेकिन ऑप्शन दशमलव में दिया है इसीलिए दशमलव मान लेंगे, ठीक है ना भैया। तो 3.6 दिन लगेगा उन्हें, कितना दिन लगेगा, 3.6 दिन। ये एकदम बेसिक मेथड है, ये एकदम ऑर्डिनरी मेथड है। इस तरह से हम हमेशा सवालों को लगाएंगे और कभी भी सवाल हमारे गलत नहीं होंगे, लेकिन इस पे बहुत आपको मेहनत करना पड़ेगा तब जाके आप इस तरह से मेथड बना पाएंगे। बासन में ये ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं, मतलब बस एक बार ध्यान में बैठ गया ना, ये प्रोसीज जो यहां पे मैंने ये वाली लाइन लिखी है, इतना यहां तक, इस वाली लाइन को छोड़ के, इस वाली लाइन को छोड़ के, इतना काम आपको टाइम एंड वर्क के इस पैटर्न के हर सवाल में करना होगा, ठीक है। अभी चूंकि पहली बार बता रहा हूं इसलिए आपको लग रहा है कि काफी बड़ा है, अभी जब बताऊंगा डिटेल में तब आपको लगेगा कि हाँ सर ये तो बहुत ही छोटा सा काम था हमारे लिए, ठीक है। सुनो ध्यान से, ए कर रहा है 6 दिन में, बी कर रहा है 9 दिन में, तो पहले दोनों का कुल काम निकालेंगे। कुल काम कैसे निकाला जाता है, तो इनके दिनों का लसा लेके, 9 और 6 का लसा लेंगे, 9 और 6 का लसा आएगा 18 यूनिट, यानी कुल काम इनका आ गया 18 यूनिट। कितना आ गया, 18 यूनिट आ गया है कुल काम, 18 यूनिट आ गया कुल काम। अब यहां से समझो, हमें बताना है कि उनका एक दिन का काम कितना हो या उनके काम करने की क्षमता कितनी है। तो जैसे ए नाम का व्यक्ति है, वो 6 दिन में 18 यूनिट काम करता है, यानी उसकी क्षमता कितनी हुई, 6 दिन में 18 काम कर रहा है, यानी एक दिन में 3 काम कर रहा होगा, उसके 3 काम करने की औकात है ना। तो ए की औकात 3 काम करने की है, बी की औकात 9 दिन में 18 काम कर रहा है, यानी इसकी औकात 2 है, एक दिन में 2 काम करेगा। तो दोनों मिला के एक दिन में कितना काम करेंगे, ए प्लस बी दोनों मिला के 3 काम ये करेगा, 2 काम ये करेगा, यानी दोनों मिला के एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे। एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, कुल काम यहां पे 18 यूनिट का है, यानी कि 18 यूनिट काम करने के लिए कितना दिन लग जाएगा, एक दिन में 5 काम, तो 18 यूनिट करने के लिए 18/5 आ जाएगा आंसर 3.6। अब इसी सवाल को लगाना होगा तो आप, जैसे आप पहली बार आप समझ गए, अब लगाना होगा तो आप कैसे लिखेंगे, देखो यहां समझो। अच्छा ए कर रहा है 6 दिन में, बी कर रहा है 9 दिन में, आप डायरेक्ट कहेंगे अच्छा इनका लसा कितना आएगा, 6-9 का लसा, तो आप तुरंत कहोगे 18 यूनिट आ गया सर, 18 यूनिट यहां से पर डे वर्क या इफिशियंसी निकाल लेंगे, ठीक है, इनकी इफिशियंसी निकाल लेंगे। बताओ कितना आएगा, 6 × 3 = 18, 3 और 9 दुनी 18, 2। यहां से ए प्लस बी का समय पूछा है, टोटल काम है 18 यूनिट, और ये करता है 3 काम, ये करता है 2 काम, 3-2 मिला के 5 काम, यानी कि 3.6 दिन डायरेक्ट आ गया। इतना बड़ा मेथड आपको लगाना पड़ेगा। कुछ लोग इसको डायरेक्ट भी कर लेते हैं, 9×6 = 54 और 9×6 = 15 से जोड़ के आधा से भाग कर देते हैं, आंसर आ जाता है, वैसे भी आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगले सवाल की तरफ। ए बी सी एक काम को 24, 6 और 12 दिनों में कर सकते हैं, एक साथ काम करके उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। बहुत ही प्यारा सा सवाल है भैया, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। देखो ये सेम टू सेम सवाल है, ए बी और सी, ये तीनों का दिया है, तीन लोग हैं इसमें इसलिए तीनों का दिया है। कितना दिया है, 24 दिन और इनका 6 दिन और इनका 12 दिन, ये दे दिया है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, 24, 6, 12 का लसा कितना आएगा, 24, 6, 12 का लसा 24 ही आएगा। कितना आएगा, 24 यूनिट, यानी कुल काम है 24 यूनिट। तो यहां से हम पर डे यूनिट वर्क निकालेंगे या इफिशियंसी निकालेंगे। 24 × 1=24, 24 से 12, 6 × 4=24, 4 बार गया तो 4 और 12 × 24, 2 बार गया तो 2। बस ये तुरंत तुरंत कर लेते हैं, तुरंत तुरंत देखो 24 से भाग करेंगे 24 में तो 1 बार, 6 से भाग करेंगे 24 में तो 4 बार, और
12 से भाग करेंगे 24 में, तो दो बार। अब यहां से बताओ आपसे क्या पूछा है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके काम को करे तो कितना दिन हो जाएगा। अच्छा बताओ को टोटल काम कितना है, तो टोटल काम है भैया 24 यूनिट, यानी कि 24 काम करेंगे तीनों मिलके। तीनों मिलके कितना काम करते हैं, एक काम ये करता, चार काम ये करता, दो काम ये करता, तो चार एक पांच और पांच दो मिला के सात, यानी कि एक प्लस चार प्लस दो मिला के कितना हो गया 24 बटे में सात काम, यानी सात तरीके 21, तीन सही तीन बटे सात दिन इनको लगेगा काम को करने में। तीन सही तीन बटे में सात दिन लगेगा, आंसर देखो आया है तीन सही तीन बटे में सात दिन, ऑप्शन नंबर सी वाला है ना, एकदम आसान सा बताओ है ना, एकदम आसान सा ये तरीका होता है सवालों को लगाने का, एकदम बेसिक तरीका बताया हूं आपको, ठीक है ना। और इस पर खूब ज्यादा कमांड करो, इस पर खूब ज्यादा मेहनत करो, तब जाके तुम्हारा आंसर आने लगेगा जल्दी जल्दी, ठीक है भैया। अगले सवाल की तरफ चलते, देखो ए एक काम के दो बटे तीन भाग को आठ दिन में करता है, बी काम के तीन बटे पांच भाग को छह दिन में करता है, ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, ये भी एक अच्छा सवाल है। अब सुनो ध्यान से, देखो यहां से देखो, ए जो है ना वो दो बटे तीन काम को करता है आठ दिन में, दो बटे तीन काम यानी कि वर्क है आठ दिन, आठ दिन में, ठीक है। यानी कि ये क्या है, ये आपका यहां से देखो दो बटे तीन वर्क है ना, ये यानी ये आपका काम है और ये आपका टाइम है। काम और टाइम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि अगर एक वर्क यानी पूरा वर्क मैंने आपको बताया था एक यूनिट होता है, अगर पूरा वर्क निकालना है तो क्या करेंगे, ये तीन उधर जाएगा और दो नीचे चला जाएगा, यानी कि आठ गुणे में तीन बटे में दो हो जाएगा, दो ने काट दिया इसको चार बार में और चार के बारह, बारह बारह आ गया भैया, बारह दिन लगेंगे उसको पूरा काम करने में। देखो ये दो तिहाई काम आठ दिन में करता है, तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, तो भैया पूरा काम हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट, इसका दो तिहाई जो यहां पे है उधर जाके गुणा हो जाएगा। देखो दो तिहाई काम आठ दिन में, ठीक है, तो एक काम पूरा काम, पूरा काम का मतलब खाली पूरा काम, तो तीन उधर जाएगा, आठ तरीके इसने काट दिया इसको चार बार में और चार तीन बारह, यानी पूरा काम बारह दिन में करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे हमने ए का पूरा काम निकाल लिया और ऐसे ही हमें बी का भी पूरा काम निकालना है, ऐसे हमें बी का भी पूरा काम निकालना है। देखो अब ए का पूरा काम कितना हो जाएगा, देखो दो बटे तीन काम आठ दिन में, दो ने इसको काट दिया चार बार में और चार के बारह, यानी ए का पूरा काम आ गया बारह दिन में। ऐसे ही बी का निकालेंगे, ऐसे ही हम बी का निकालेंगे, बी ने क्या किया है, बी काम के तीन बटे पांच को छह दिन में, तीन ने काट दिया दो बार में और पांच दुनी के दस, यानी कि ये कर रहा है दस दिन में, ठीक है। देखो ये तीन बटे में पांच कितने दिन में कर रहा है, छह दिन में कर रहा है, छह दिन में कर रहा है, यही ना लिखा है यहां से समझिए, तीन बटे पांच काम को छह दिन में कर रहा है, तो एक काम को यानी पूरा काम को कितने दिन में करेगा, तीन ने पांच उधर जाएगा, छह गुणे में पांच बटे में तीन, तीन ने काट दिया इसको दो बार में, पांच दुनी के दस दिन लगेगा इसको करने में, कितना दिन लगेगा, दस दिन लगेगा, यानी बी का समय पूरा काम को करने में, पूरा काम करने में दस दिन का समय लग जाएगा। अब यहां से बताओ, अब सवाल एकदम आसान हो गया आपके लिए, बारह दस का लसा कितना आएगा, साठ यूनिट। अब यहां से पर डे यूनिट वर्क निकाल लेंगे, बारह पच्चे साठ और दस छका साठ, यानी कि ए प्लस बी का समय डायरेक्ट आपसे पूछा है, तो साठ बटे में ए प्लस बी दोनों को जोड़ दो, पांच और छह जोड़ दिया तो ग्यारह आ गया, यानी कि पांच सही पांच बटे में ग्यारह दिन, पांच सही पांच बटे ग्यारह दिन आ जाएगा, ग्यारह से भाग करेंगे ग्यारह पच्चे पचपन, भिन्न इतनी आती है आपको, पांच सही पांच बटे ग्यारह दिन, ये इसका आंसर बनेगा। बात समझ में आ रही है, जल्दी बताइए, एकदम इजी से है भाई, इस तरह के सवाल बनते काफी अच्छे अच्छे सवाल हैं ये, ठीक है ना, और ऐसे सवाल एग्जाम में आप लगा नहीं पाते हो। अगला सवाल देखो, एक जमीन का दो बटे पांच भाग छह दिन में, बी जमीन का एक बटे तीन भाग दस दिन में जोत सकता है, ए और बी एक साथ काम करके चार बटे पांच भाग जमीन को कितने दिनों में जोतेंगे। मतलब सवाल यहां पे घुमाया, साथ ही साथ यहां पर भी घुमा दिया है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं। देखो दो बटे पांच काम को कर रहा है छह दिन में, दो बटे पांच काम को छह दिन में, तो एक काम को ये पांच उधर जाएगा तो छह गुणे पांच बटे में दो नीचे चला जाएगा, दो ने काट दिया इसको तीन बार में, यानी पांच ते पंद्रह, पंद्रह दिन इसको लग जाएगा, यानी कि जो ए वाला था उसका जो पूरा समय आ गया वो पंद्रह दिन आ गया। अब बी वाले का देख लेते हैं, बी वाले की भी सेम कहानी है, सेम ऐसे ही लगा लेंगे बी वाले के लिए, देखते हैं बी वाले की कहानी क्या है। बी वाले ने कितना किया है, तो एक बटे तीन काम को दस दिन में किया है, तो एक काम को करने में पूरा एक काम को तीन उधर चला जाएगा, यानी कि तीस दिन लगेगा इसको करने में,
एक काम को करने में कितना दिन लग जाएगा, 30 दिन लग जाएगा, यानी बी को लग रहा है 30 दिन। बस अब इसके बाद तो सवाल एकदम आसान हो गया आपके लिए, ठीक है भैया, इतना काम कर लिया तो अब आपके लिए सवाल एकदम आसान हो गया। 15 और 30 का लसा 30 आएगा, यानी कि 15 दुनी के 30, ये पर डे यूनिट वर्क आ रहा है इसका 2, और यहां से 30 एक कम 30, ये इनका पर डे यूनिट वर्क आ गया। ये 30 कैसे आया, तो 15 और 30 का लसा लेने पे 30 आया है, ये इसका टोटल यूनिट वर्क है जो कि 30 यूनिट है। आपसे क्या बोला है कि ए और बी एक साथ मिलकर 4/5 भाग जमीन को, यानी पूरी जमीन कितनी है 30 यूनिट, ठीक है भैया। तो ए प्लस बी पूरी जमीन नहीं, 30 जमीन के 4/5 भाग को कितने दिन में करेंगे, और ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2+1 है। बस समझ में आ रहा है कि नहीं, यहां से समझो ध्यान से, ये पूरी जमीन की बात नहीं किया है, जमीन के 4/5 भाग की बात किया है। तो जमीन आपके पास 30 यूनिट है, तो 30 यूनिट का 4/5 निकालेंगे, 30 यूनिट का 4/5 निकालेंगे, तो 30 गुड़े में 4/5, और इनकी एफिशिएंसी तो अभी भी उतनी रहेगी, ए करता है एक दिन में 2 के हिसाब से काम, और ये करता है 1 के हिसाब से काम, यानी इनकी एफिशिएंसी, इसने काट दिया इसको 6 बार में, 6 × 4=24, अब बटे में 3, यानी कितना आ रहा है इनका आंसर, 8 दिन लग जाएगा इनको, 8 दिन लग जाएगा 4/5 काम को फिनिश करने में, 8 दिन, ऑप्शन नंबर सी वाला 8 दिन लगेगा भैया। समझ में आ रहा ना, समझ में आ रहा है, एकदम आसान सा पैटर्न है भैया, बस दिमाग लगाना आपको, एक ही पैटर्न के कई सारे सवाल करा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। जैसे देखो अगला सवाल सेम टू सेम ऐसा ही है, 4/5 काम को 20 दिन में करता है, ठीक है 20 दिन में करता है, तो एक काम को कितने दिन में करेगा, इसने काट दिया इसको 5 बार में, 5×25 हो गया, एक काम को 25 दिन में करता है, यानी कि यहां से आपने ए का समय निकाल लिया, ए कर रहा है कितने दिन में, 25 दिन में, ए कर रहा है कितने दिन में, 25 दिन में कर रहा है। आगे देखते हैं आगे क्या कहा है, फिर बी को काम पर बुला लेता है, अच्छा फिर वो बी को काम पर बुला लेता है, और वे मिलकर शेष काम को तीन दिनों में पूरा कर लेते हैं, ऐसा आपसे कहा है कि शेष काम को 3 दिनों में पूरा कर लेते हैं। अब देखो यहां से भैया, शेष काम को 3 दिनों में पूरा कर लिया है, और यहां पे देखो ए ने 4/5 काम को 20 दिन में किया है, यानी कि अगर पूरा काम करता, यहां से समझो ध्यान से, पूरा काम अगर ए करता, सपोज करो कि ए पूरा काम करता, तो उसको कितना दिन लगते, 25 दिन लगते, यानी ए के 5 दिन का काम दोनों ने मिलकर 3 दिन में किया है, यानी कि ए प्लस बी ने 3 दिनों में किया है, यही है, ए के 5 दिन का काम दोनों ने मिलकर 3 दिनों में किया है, तो ए गुड़े 5 = a + b / 3, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये लाइन थोड़ा सा सवाल अलग लेवल का आ गया है, कोई बात नहीं बता देता हूं। देखो यहां से समझो ध्यान से, ये 4/5 काम करता है 20 दिन में, अगर ए पूरा काम करता तो इसको लगता 25 दिन, कितना दिन लगता, 25 दिन लगता, अगर पूरा काम करता तो इसको लगता 25 दिन, 25 दिन लगता कि नहीं लगता, बिल्कुल लगता 25 दिन लगता। अब यहां से समझो, बी को काम पर बुलाता है और वे मिलकर काम को 3 दिन में, शेष काम को 3 दिन में खत्म कर देते हैं, शेष काम को 3 दिन में खत्म कर देते हैं, यानी कि शेष काम कितना बचा है, 1/5 काम बचा है, और उसको करने में इसको लगता है 5 दिन, क्योंकि पूरा काम ये 25 दिन में करता है, तो 20 दिन में 4/5 काम किया है, यानी 5 दिन का काम अभी बचा हुआ है, उस 5 दिन को काम को ए और बी दोनों मिलकर 3 दिन में करते हैं। यहां से ए और बी की एफिशिएंसी निकाल लो, ये आ गया 5a = ये आ गया 3a + 3b, ठीक है भैया 3b, ठीक है। अब ये इधर आ जाएगा, यानी कि ए 2a आएगा ना, 3a इधर घट जाएगा, 2a = 3b, ठीक है भैया। तो a बटे b कितना आ जाएगा, 3/2, 3/2 आ जाएगा, a बटे b कितना आ जाएगा, 3/2। आपसे बोला b को काम करने में कितना दिन लगेगा, अब यहां से देखो, 3 की एफिशिएंसी है, 25 काम कर रहा है, 25 × 75, और तो इसको करना हुआ तो कितना, b का पूछा है कि दोनों का पूछा है, देखते हैं यहां से समझो, ए किसी काम का 4/5 20 दिन में करता है, ठीक है 4/5 20 दिन में करता है, यानी पूरा काम करता तो 25 दिन लगता, यानी कि इसका 5 दिन का काम, फिर बी को बुलाता है, शेष काम को 3 दिनों में कर लेते हैं, यानी शेष काम इन दोनों ने मिलकर 3 दिन में पूरा किया, तो ये आ गया 3a इधर आ जाएगा, यानी कि 2a/3b, a/b = 3/2, ठीक है ना, यानी ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की एफिशिएंसी 2 है,
ए की इफिशियंसी 3 है और बी की इफिशियंसी 2 है। अब यहां से देखो तो टोटल काम कितना हुआ, टोटल काम कितना हुआ, 3 की इफिशियंसी है और 25 दिन में करता है तो टोटल काम 25 से 75 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, 37 से 2/5 नहीं, ए प्लस बी का पूछता तो 37 से 2/5 होता, खाली बी का पूछा है, देखते हैं। यहां से देखो, अब देखो यहां से देखो ए का समय कितना है, ए का समय कितना है 25 दिन है, ए का समय है 25 दिन, ठीक है भैया। और ए ने 3 यूनिट काम करता है, ए की जो इफिशियंसी है वो 3 यूनिट की, इनकी इफिशियंसी है, कार्य क्षमता है, क्या है कार्य क्षमता है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हम निकाल सकते हैं, 25 दिन में 3 काम करता है, एक दिन में 3 काम करता है तो 25 दिन में 75 काम करेगा, 75 काम, ये टोटल काम आ गया। आपसे पूछा है कि बी का समय यहां से देखो, बी का समय आपसे पूछा है, बी एक दिन में 2 काम करता है तो 75 काम को करने के लिए कितना दिन लगेगा, 75 बटे में 2 आ जाएगा, यानी इसका आंसर 37.1/2 दिन आएगा, ये इसका आंसर बनेगा। ऑप्शन में नहीं दिया, 37 इसका राइट आंसर है, ये वाला आंसर सही है, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, क्या पता कहीं पे कुछ मिसकरेक्ट हो गया हो, देख लेते हैं। यहां से देखो, ए की इफिशियंसी 3 है, बी की इफिशियंसी 2 है, ये इनकी इफिशियंसी आई है, ठीक है भैया। यानी कि ए ये जो कर रहा है तीन काम कर रहा है एक दिन में, तो 25 दिन में पूरा काम कर रहा है, 25 दिन में पूरा काम कर रहा है, यानी 25 से 75 काम करेगा, ए टोटल काम आ गया तो इसका काम इतना आ गया। अब क्रॉस चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं, चलो देखते हैं। यानी कि ये कर रहा है 25 दिन में और ये कर रहा है 37 सही 1/2, ठीक है 37.5, ठीक है 4/5, फिर दोनों कर रहे हैं 4/5, यानी 20 दिन काम किया है। चलो देख लेते हैं, दोनों का क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, 37 × 75, 75 × 150, 150 मतलब 2 बार में 75 आ गया, 75 का मतलब ये आ गया 3 और इसका आ गया 2, ठीक है। अब इसने 4/5 काम को 20 दिन में किया है तो शेष काम कितना, यानी 4/5, तो 75 का 4/5 निकालो तो 5 से काट दे, 15 × 4 = 60, 20 दिन में किया, 60 काम इसने किया, यानी 15 काम बचा है, 15 काम को दोनों मिलकर 3 दिन में करेंगे, सही है भैया, सही आंसर 37 सही 1/2 आएगा। क्रॉस चेक करोगे तो यही आएगा आंसर, क्रॉस चेक करने पे। देखो क्रॉस चेक कैसे किया, समझो ध्यान से क्रॉस चेक कैसे किया, समझो यहां से देखो, 75 काम है कुल, 75 काम का 4/5 भाग 20 दिन में किया है तो 75 का 4/5 निकालो, 75 का 4/60 काम आता है, कितना काम आता है 60 काम आता है, 75 का 4/60 जो है 60 काम आता है, ये 20 दिन में किया है, यानी कि कितना 3 के हिसाब से इसकी इफिशियंसी आ रही है, जो कि सही है, सही है, ठीक है। अच्छा कितना काम बचा है आप बताओ, पूरा 75 था, 60 काम ए ने कर दिया है, यानी कितना काम बचा है, कितना काम बचा है, तो आप कहोगे सर 15 काम बचा है, 15 काम को दोनों ने मिलकर 3 दिन में किया, दोनों की मिला के इफिशियंसी कितनी आई है, 3 × 2 = 5, 15 काम को 5 लोग करेंगे तो 3 दिन में होगा, बात सही है, मतलब क्रॉस चेक पे सही है, इसका आंसर 37 सही 1/2 आएगा, ठीक है भैया। फिर से बता देता हूं सवाल, ये थोड़ा सा अलग पैटर्न का सवाल आ गया था, कोई बात नहीं, चलो बता देता हूं, मुझे लगा था कि कुछ अलग होगा लेकिन आ गया। देखो ए कर रहा है 4/5 काम को 20 दिन में, यानी पूरा काम को कितना करेगा, अभी आपको निकाल के मैंने बताया था, तो 25 दिन लगेगा पूरा काम करने में, ए को पूरा 25 दिन लग जाएगा काम करने में। अब ये 20 दिन काम करता है, उसके बाद काम को छोड़ देता है, ए ने कहा कि बस अब मैं नहीं काम करूंगा, ए ने काम को छोड़ दिया, ठीक है। फिर बी काम को बुलाता है, बी को काम पर बुलाता है और मिलकर शेष काम को 3 दिन में खत्म कर देता है। अच्छा बताओ इसने 20 काम किया है ना, यानी कितना काम बचा है अभी भी, आप बताओ कितने दिन का काम बचा है, आप बताओ, पूरा काम अगर ए करता तो इसको 25 दिन लग जाता, पूरा काम करने में 25 दिन लग जाता, यानी कि ए के 5 दिन का काम बचा है, तो ए के 5 दिन का काम किसके बराबर है, जो दोनों ने मिलकर 3 दिन में किया है, क्योंकि वही शेष काम को ए और बी ने मिलकर 3 दिन में किया है, यानी कि ए प्लस बी मिलकर इसको 3 दिनों में कर दिए हैं, यही है कहानी इसकी, ठीक है भैया। यहां से ए और बी का जब रेशियो निकालोगे तो ए और बी बन जाएगा 3/2, कितना बन जाएगा 3/2, ये इनकी इफिशियंसी या फिर पर डे यूनिट वर्क की रेशियो आएगी, पर डे यूनिट वर्क की रेशियो आ गई 3 और 2 की, यानी ए एक दिन में 3 काम करता है,
तो 25 दिन टोटल काम करता है, तो टोटल काम कितना हो गया, टोटल वर्क निकालते हैं, टोटल वर्क एक दिन में 3 काम, तो 25 दिन में 75 काम, 75 काम करने के लिए बी का समय पूछा है, तो बी का समय मतलब 75 बटे में इसका एफिशिएंसी 2 आया है, 75 बटे में 2 का मतलब 37 से ही 1/2 दिन आ जाएगा, ये इसका आंसर बनेगा। बात समझ में? अब वैसे भी अगर ये सवाल नहीं समझ में आ रहा तो क्लास अभी पहली है, इस तरह के आगे सवाल मिलेंगे, दूसरे टाइप का सवाल इस टाइप में आ गया है गलती से, ठीक है। तो अगर ये नहीं भी समझ में आ रहा तो कोई घबराने की बात नहीं, आगे जब ढेर सारे सवाल आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो अगला देखो, अगला फिर से उसी पैटर्न पे चलते हैं, एक सवाल बस घूम गया था पता नहीं कहां से। ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में करता है, देखो 1/2 5 दिन में, तो पूरा काम 10 दिन में, ये 2 उधर जाएगा, 2 × 5 = 10, पूरा काम 10 दिन में। बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में करता है, तो बी का समय कितना आ जाएगा, देखो 3 ने काट दिया इसको 3 बार में और 3 × 5 = 15, बी का समय आ गया 15 दिन में। और सी वाला देखते हैं, सी उसी काम का 2/3 भाग 8 दिन में, तो ये देखो 2 ने इसको काट दिया 4 बार में और 4 × 3 = 12, यानी कि सी का जो टोटल समय आ गया वो 12 दिन। एलसीएम ले लो, अब यहां से सवाल एकदम आसान है, 10 × 12 = 15 = 60 आएगा, यहां से पर डे यूनिट वर्क, पर डे यूनिट वर्क, पर डे यूनिट वर्क निकालो, पर डे यूनिट वर्क निकालो, 10 से काट देंगे तो 6 आ जाएगा, 15 से काट देंगे तो 4 आ जाएगा और 12 से काट देंगे तो 5 आ जाएगा। आपसे ए प्लस बी प्लस सी तीनों का समय पूछा है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का समय, तो 60 टोटल काम है, बटे में तीनों को जोड़ दो, 6, 4, 10, 5, 15, 15 से भाग कर देंगे यानी 4 दिन लग जाएगा। जैसे सवाल अभी पीछे वाले थे वैसा ही सवाल ये भी है, 4 दिन इसका आंसर बनेगा, ठीक है, 4 दिन इज द राइट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, ए तथा बी 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी 15 दिनों में कर सकते हैं, सी और ए 20 दिनों में कर सकते हैं, ए बी सी साथ काम करें तो कितने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा, यह भी एक अच्छा सवाल है, इस तरह का भी सवाल बनता है। देखो ए प्लस बी कितने दिन में, 12 दिन में, बी प्लस सी कितने दिन में, 15 दिन में, और सी प्लस ए कितने दिन में, तो आप कहेंगे 20 दिन में, ठीक है भैया। अब इनका क्या करना है, सबसे पहले आपको लसा लेना है, देखो ये दो दो लोग हैं मिलके, कोई बात नहीं, दोनों लोगों का लसा लो, 20 × 60 होता है, 60 लसा आ जाएगा, तो 12 × 5 = 60, पर डे यूनिट वर्क निकाल रहे हो आप, 15 × 4 = 60, अब 20 × 60, ठीक है, ये आ गया। अब यहां से देखो, आप इन सभी को जोड़ो, आप इन सभी को जोड़ो, तो ए प्लस बी प्लस में बी प्लस सी प्लस में सी प्लस ए, आपने सभी को जोड़ दिया, और इनको जोड़ना होता है, कभी भी याद रखना इन दिनों को नहीं जोड़ना होता है, इन्हें कि दिन ही जोड़ दिया डायरेक्ट, दिन कभी भी जुड़ते नहीं है, इस बात को ध्यान रखे रहिएगा। अब इनको जोड़ो, 5, 4, 9, 9, 3, 12, 5, 4, 9, 9, 3, 12, तो टोटल काम आ गया 12। अब इसमें देखो ए ए 2 बार है, बी बी 2 बार है, सी सी 2 बार है, यानी 2A प्लस में 2B प्लस में 2C है, ठीक है, और यहां पे आया है 12। ये क्या है, ये एक दिन का काम है या इनकी इफिशियंसी एक दिन का, 2 कॉमन ले लो तो क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर में यहां पे कितना आएगा 12, 2 ने 12 को काट देगा, पर डे यूनिट वर्क में सीधी सीधी कैलकुलेशन होती है, 2 इसको काट देगा 6 बार में, तो यानी कि ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया 6, ये क्या आया है उनका एक दिन का काम आया है। आपसे पूछा है कि तीनों एक साथ करें तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का समय पूछ दिया है आपसे, समय अगर पूछेगा तो टोटल काम बटे में उनका एक दिन का काम, टोटल काम कितना है 60, बटे में एक दिन का काम कितना है 6, यानी कि फाइनल आंसर कितना बन जाएगा 10 दिन लगेंगे इनको करने में, 10 दिन, ऑप्शन नंबर सी वाला, बात समझ में, 10 दिन इनका आंसर बनेगा। देखो अगर इस तरह का सवाल आया तो आपको ऐसे ही करना है, डायरेक्ट क्या करना है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में, बी और सी उसी काम को 15 दिन में, और सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं, ए बी सी एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, यह आपसे पूछा है। अब सुनो ध्यान से, ए और बी मिलके 12 दिन में, बी और सी मिलके 15 दिन में, और सी और ए मिलके 20 दिन में, सबसे पहला काम जो तब से करते आए हो कि पहले लसा लो जो कि 60 यूनिट आएगा, फिर पर यूनिट वर्क निकालो, फिर उनका टोटल निकाल लो, ए बी सी का एक एक दिन का काम पता चल जाएगा, एक दिन का काम जब पता चल गया तो पूरे काम में एक दिन के काम से भाग करोगे तो आपको समय मिल जाएगा, यही इतना देर से आप कर रहे हो। अगला सवाल देखिए,
क्या बोला है, ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 10 days, बी एंड सी 15 days, सी एंड ए 20 days, सी अलोन विल फिनिश इन वर्क इन हाउ मेनी डेज। आपसे खाली सी का पूछा है, चलो देखते हैं सी का पूछा है तो सी का केवल बता देते हैं। देखो ए और बी 10 दिन, बी और सी 15 दिन और सी और ए 20 दिन। ल से बताओ 60 आएगा, तो पर डे वर्क भी निकाल सकते हैं आसानी से। कितना आ जाएगा, 10 10 छक्का, 15 चौको और 20 तिहाई, ये आ गया यहाँ पे आपका। समझ में आ रहा है, देखो 10 से भाग करेंगे 6 में 6, 15 से भाग करेंगे 4 और 20 से भाग करेंगे 3। अब यहां से आपको पता है कि अगर इन तीनों को आप जोड़ोगे तो सब दो दो बार आएंगे। अभी आपने जोड़ के दिखाया था मैं आपको कि हमेशा ये दो दो बार आते हैं, दो बार ए है, दो बार बी है, दो बार सी है, यानी 2 कॉमन हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर में यहां कितना आएगा, 6 4 10 3 13 13 आ जाएगा। यहां से बताओ a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 13/2 आ जाएगा, 13/2 आ जाएगा। आपसे किसका पूछा है, आपसे अगर a प्लस बी प्लस सी पूछता तो हम डायरेक्ट टोटल काम में 13/2 से भाग कर देते, हमें तीनों का काम पता चल जाता कि तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। लेकिन आपसे a प्लस बी प्लस सी का काम नहीं पूछा है, आपसे किसका काम पूछा है, आपसे केवल c का काम पूछा है, c अकेला काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। अब केवल c का पूछा है तो केवल c की एफिशिएंसी चाहिए। इसका मतलब यहां से लॉजिक क्या निकल के आता है, लॉजिक यह निकल के आता है कि सर अगर कहीं से ए प्लस बी का जुगाड़ हो जाए, कहीं से ए प्लस बी का अगर जुगाड़ हो जाए, मतलब इसका मान अगर हमें पता चल जाए तो हम सी का मान आसानी से पता लगा सकते हैं। और ए प्लस बी का जुगाड़ तो यहां पे दे दिया है, ये पर डे यूनिट वर्क चल रही है कहानी, तो ए प्लस बी का पर डे यूनिट वर्क 6 यूनिट दिया है, तो जहां पे a प्लस बी है उसकी जगह पे हम 6 आसानी से पुट कर सकते हैं, क्योंकि a प्लस बी का मान यहां पे 6 है। ये वाला मान नहीं, याद रखना दिनों के साथ कोई कैलकुलेशन नहीं होती है, क्यों, क्योंकि पर्सन और टाइम एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, दिन का कभी भी कैलकुलेशन नहीं किया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि सर a प्लस बी का मान 10 है यहां पे 10 रख देना, ये पर डे यूनिट वर्क यहां पे इधर इस साइड की कैलकुलेशन चल रही है और जो इस साइड है ये पर डे यूनिट वर्क है, और कैलकुलेशन हमेशा पर डे यूनिट वर्क वाली ही की जाती है हमेशा, ठीक है ना। तो a प्लस बी का पर डे यूनिट वर्क है 6 यूनिट, तो हमने यहां पे 6 रख दिया और प्लस में c है बराबर में 13/2 है, ठीक है भैया। अब ये 6 इधर चला जाएगा, यानी कि c बराबर कितना आ जाएगा, 13/2 माइनस में 6, यानी कि c का मान कितना आ गया, आप बताओ 6 × 12 13 में से 12 गया तो 1/2, c का मान आ गया 1/2। ये इनका पर डे यूनिट वर्क आया, क्या है पर डे यूनिट वर्क आया, आपसे पूछा है c का समय, c का समय पूछा है, तो कुल काम कितना है 60 यूनिट है, तो 60/2 c का समय जो 1/2 है उसी से भाग कर दो, 1/2 से भाग कर देंगे, ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी इसका समय आ जाएगा 120 दिन। कितना आ जाएगा, C को अकेला काम करने में 120 दिन का समय लगेगा, 120 इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। बात समझ में आई, ऐसे ही कभी आपसे A का भी पूछ सकता है, ऐसे ही कभी आपसे B का भी पूछ सकता है, और ऐसे ही कभी आपसे C का अकेले पूछ सकता है, या तीनों का मिला के पूछ सकता है, या A प्लस B का पूछ सकता है, ऐसे ही कुछ भी पूछ सकता है, आपको परेशान नहीं होना है। जब भी कभी ऐसा सवाल बने आप आसानी से लगा लेंगे, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट यही है, यहां तक की चीजें कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। ये अगर क्लियर है तो आप आसानी से कोई भी सवाल आपसे पूछेगा आप आसानी से बता लेंगे। अगला सवाल देखिए, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में करते हैं, बी और सी मिलकर 12 दिनों में करते हैं, यदि तीनों मिलकर 6 दिनों में समाप्त कर लेते हैं तो ए और सी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। अब एक पैटर्न का सवाल आपने खत्म कर दिया, ये दूसरे पैटर्न का सवाल है, उसी तरह का शानदार सा सवाल है। देखो ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में, बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। फिर क्या बोला है, यदि तीनों मिलकर काम को 6 दिनों में करते हैं, यानी कि तीनों का दिया है ए प्लस बी प्लस में सी, तीनों का मिलकर कितना दिन दिया है, 6 दिन दिया है। अब यहां से बताओ इनका एलसीएम कितना आएगा, 12 8 और 6 का लसा आएगा 24 यूनिट, लसा आएगा 24 यूनिट। पर डे यूनिट वर्क यहां से हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना, यानी 8 से भाग करेंगे 8 3 24, 12 से भाग करेंगे 12 2 24, 6 से भाग करेंगे 6 2 24, ठीक है भैया ठीक है ना। चलो देखो यहां से ध्यान दो,
यहां देखो आपसे किसका किसका पूछा है, आपसे ए और सी का पूछा है। जैसे मैंने कहा था ना अभी आपसे कि किसी का पूछ सकता है, ए बी सी का पूछ सकता है, खाली ए का पूछ सकता है, खाली बी का पूछ सकता है, खाली सी का पूछ सकता है, या दो का मिला के पूछ सकता है, तो दो का मिला के पूछ दिया है। ठीक है, अब यहां देखो ए प्लस बी प्लस सी बराबर में कितना है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर में कितना है, तो 4 यूनिट है। आपसे किसका मान पूछा है, ए और सी का। ए और सी का हमें अलग अलग इफिशियंसी निकालना पड़ेगा। पहले ए और बी का मान पुट करते हैं। ए और बी का मान यहां पे आपके पास है 3 यूनिट, यानी यहां पे रखो 3 + c = 4, यानी सी का वैल्यू आ गया कितना, आ गया 1। 3 इधर आके घट जाएगा, सी का मान आ गया 1। ठीक है भैया, अब आगे समझो। आगे आपको ए प्लस बी प्लस सी तीनों का मिला के देखो कितना दिया है, 4 यूनिट। कितना दिया है, 4 यूनिट दिया है। आपको किसका मान चाहिए, आपने सी का निकाल लिया, अभी आपको ए का मान चाहिए। ए का मान चाहिए तो आप कहीं से सोचेंगे कि बी और सी का मान पुट कर दें, और बी और सी का मान आपके सवाल में दिया है यहां पे 2 यूनिट। ठीक है भैया, तो यहां से ए प्लस में 2 रखेंगे, बी प्लस सी का मान 2 है, बराबर में आ जाएगा 4। यानी यहां से आपने कहा कि सर ए का भी मान हमें पता चल गया, कितना है ए का मान, ए का मान कितना है 2, उधर जाके घट जाएगा, यानी ए का मान आ गया 2 यूनिट। तो यहां से सी का भी एक दिन का काम पता चल गया और ए का भी एक दिन का काम पता चल गया। अब आपसे ए प्लस सी का समय पूछा है, ए प्लस सी का समय, ए प्लस सी का समय, ए प्लस सी का समय कितना होगा, टोटल काम कितना है 24 यूनिट, तो 24/ ए प्लस सी की इफिशियंसी 2 और 1 मिलकर 3 है, यानी कि 2 + 1, यानी कितना आ जाएगा 24/3। 24/3 का मतलब 8 दिन इज द राइट आंसर। 8 दिन बनेगा इसका आंसर, कितना बनेगा 8 दिन। पहला वाला सही है इसका आंसर, पहला वाला इज द राइट आंसर, 8 दिन सही है। समझ में आ रहा है सभी को, जल्दी बताइए, एकदम आसान से है सवाल, इसी तरह इसे लगाने होते हैं। समझिए ध्यान से, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, और कॉन्सेप्ट की सारी बातें इधर हैं। देखो ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपको पता है कि 4 यूनिट है, आपसे ए और सी का पूछा है, ए और सी का पूछा है तो आपको ए और सी की एक एक दिन का काम पता होना चाहिए। ए और सी का एक एक दिन का काम निकालने के लिए एक एक करके निकालेंगे। पहले सी का निकालने के लिए ए और बी का मान पता होना चाहिए, और ए और बी का मान सवाल में दिया है 3, मतलब यहां पे ऊपर दिया हुआ है 3, यहां 3 रखेंगे तो सी की इफिशियंसी आ जाएगी। ऐसे ही फिर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 4 यहां पे आपको पता है, जिसमें से अगर हम बी और सी का मान रख देंगे तो हमें ए का मान पता चल जाएगा। बी और सी का मान हमारे पास 2 है, तो 2 रखा तो ए का मान पता चल गया। अब यहां पे आपको सी और ए का एक एक दिन का काम मिल गया है, सी और ए का समय पूछा है, कुल काम बटे में उनके एक एक दिन का काम को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। अगला सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। ए तथा ए बी तथा सी मिलकर किसी काम को 30 मिनट में करते हैं, तीनों मिलकर, ए प्लस बी प्लस में सी, तीनों मिलकर कितने में करते हैं, 30 मिनट में। ए और बी मिलकर उस काम को 50 मिनट में करते हैं, ए प्लस में बी मिलकर कितना दिन में कर रहे हैं, 50 मिनट में कर रहे हैं। आपसे किसका पूछा है, आपसे पूछा है सी अकेला कितने मिनट में कर सकेगा। यहां से देखो इनका लसा बताओ, हाँ कितना आएगा, 150 आएगा ना, तो 30 × 5 150 पांच बार में, और ये 5 × 150 तीन बार में। यहां देखो ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया है, ए प्लस बी प्लस सी 5 आया है, ए प्लस बी प्लस सी कितना आया है, 5 आया है। आपसे किसका पूछा है, खाली सी का अकेले पूछा है। अगर सी का अकेले पूछा है तो कहीं से अगर सोचो कि कहीं से ए और बी का मान पता चल जाए तो सी का मान हम आसानी से रख देंगे, और ए और बी का मान तो सवाल में दिया है, यहां पे कितना दिया है 3 यूनिट, तो इसकी जगह पे हम रख देंगे 3 यूनिट प्लस में सी बराबर में 5। ठीक है, अब ये 3 उधर चला जाएगा, बात समझ में आ रही है। तो सी का मान कितना आ गया, 2, 5 में से जाके 3 घटेगा तो 2 आ जाएगा, सी का आ गया 2। ये क्या आया है, तो ये सी का पर डे यूनिट वर्क आया है। हमेशा जो इधर की कैलकुलेशन है ये पर डे यूनिट वर्क होती है या फिर इफिशियंसी होती है, उसको इफिशियंसी या पर डे यूनिट वर्क दोनों बात कहा जाता है। तो सी का एक दिन का काम है कि सी एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा, मतलब 2 यूनिट 1 मिनट में करेगा। आपसे क्या पूछा है कि कितने समय में पूरा करेगा, टोटल समय पूछा है, तो सी बराबर टोटल काम 150/ उसका एक दिन का काम, यानी कि 2, यानी 75 मिनट उसको टोटल लगेंगे। ठीक है भैया, 75 मिनट उसको टोटल लगेंगे, ये इसका बी वाला आंसर हो जाएगा।
बात समझ में आ रही है? तो बहुत ही शानदार सी क्लास आज की थी। यहाँ पे टाइम एंड वर्क के बेसिक बेसिक सवाल हमने किए, एकदम बेसिक जीरो लेवल के सवाल, जीरो टू हीरो लेवल के सवाल। एक सवाल बीच में थोड़ा अच्छा आ गया था, कोई बात नहीं, अगर वो ना भी समझ में आओ तो आगे की क्लास जब आगे बढ़ेगी तो पांचवें छठे या मिसलिनियस में चलेंगे तो उस तरह से ढेर सारे सवाल हमें करने भी है, ठीक है? तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, चूंकि पहली क्लास है तो हो सकता है वो अभी आपके कॉन्सेप्ट में नहीं है इसलिए ज्यादा समझ में नहीं आया होगा, आगे चल के उस तरह के सवाल आपको मिलने वाले हैं, परेशान नहीं होना है, ठीक है भैया? तो आज हमने टाइम एंड वर्क के बेसिक सवाल किए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा, और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल फिर से शाम को 7 बजे टाइम एंड वर्क की अगली सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, लव यू ऑल।